नौ डीडी गसिंहपुर जो पुलिस है वो मौके का मुआयना कर रही है, पूरी जांच पड़ताल कहने का मतलब है कर रही है कि काले हिरण की जो नेचुरल डेथ हुई है या उसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम के बाद खैर ये जो पूरे मामले का जो खुलासा है वो होगा। तो शगुफ्ता के साथ आज हम इस पूरे मामले में जो है अधिक जानकारी लेंगे और इसी बीच हम बताना चाहेंगे कि हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शगुफ्ता जी, इसी बीच ज्यादा खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ बीकानेर से लोकेश बोहरा जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, लोकेश जी जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, आपने ये पदमपुर की जो खबर है आज सुनी, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ आपको नॉलेज में है? गुप्ता जी, पर मैं बताऊं कि आज जो घटनाक्रम हुआ था श्री जनानगर के पदमपुर में गांव नौ डीडी में, तो देखो काले हिरण का शिकार हुआ है, तो जिस शिकार को लेकर बिश्नोई समाज और यहाँ तक कनकपुर के जो विधायक कुन्नर है वो भी वहां मौके पर पहुंचे हैं, और बिश्नोई समाज ने क्या हिरण का शव मंदिर में रखवाया है और बिश्नोई समाज को लेकर काफी आक्रोशित है, काफी आक्रोशित है। और लोकेश, साथ में अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आज के इस मामले में 26 साल पुराने बात की याद दिला दी है? मैं बात कर रही हूँ सलमान खान काला हिरण शिकार मामले की। तो आपको याद होगा कि 26 साल करीबन हो रहा है इस पूरे मामले को और सेम एक ऐसी ही घटना जो हुई थी, तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका? और सबसे बड़ी बात है लोकेश की इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जो है सलमान खान को धमकी भी मिली थी। सही बात कहा आपने दीपिका जी, मैं आपको बताता हूँ कि आज से पहले जोधपुर में जो घटनाक्रम हुआ था, तो काले हिरण का शिकार हुआ था, जो एक हिंदी फिल्म की शूटिंग के दौरान वहां आए थे, तो सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके खाया था, तो उसको लेकर काफी रोष प्रकट हुआ था। और वो ही देखो मामला अभी तक कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट के विचाराधीन होने के कारण अभी तक मैंने क्या है जो देखते हैं तो इस मामले को लेकर लापरवाही बरती जाती है, तो लोग अभी तक इसको लेकर भय व्याप्त नहीं है। तो बिश्नोई समाज है वो काले हिरण को मैंने क्या भगवान के रूप में पालते हैं और पालतू पशुओं की काफी मैंने देखरेख भी करते हैं, तो मुकाम के लिए तो आप कहीं देखे लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान को धमकी दी थी, इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने भी धमकी दी थी, तो उसके बाद लॉरेंस ने यह भी बात मीडिया से कहा था अगर सलमान खान मुकाम में जाकर माफीनामा अगर मांगे तो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज उनको माफ कर सकता है। जी लोकेश, क्योंकि हम आपने जैसे माफीनामे की बात की तो आपको पता ही होगा कि बिश्नोई समाज के जो कुछ प्रमुख वक्ता हैं, जो लोग हैं माननीय, उनका कहना है, पंच पटेलों का कहना है कि 29 नियमों में से एक जो नियम है माफीनामा जिसको बोला जाता है, शगुप्ता, अगर अगर वो माफी मांग लेते हैं आकर, तो इस पूरे जो मामले में 26 साल से जो चक्कर काट रहे हैं सलमान खान, शायद उनको इस मामले में राहत मिल सकती है। लोकेश, क्या कहना है आपका इस मामले में? देखो मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर सलमान खान वहां मुकाम पर आकर माफीनामा मांग लेते हैं तो बिश्नोई समाज भी खुश हो जाएगा, उनको माफ भी कर देंगे और यहां तक कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी उनको माफ कर देगा। अगर ये माफीनामा ना हुआ तो अभी जो पदमपुर वाली जो घटना है, इस जो पुरानी जो मामला है उसको एक बार फिर हवा का रुख दे देंगे और ये कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा और पूरे इंडिया में फैलेगा ये मामला और सलमान खान के फिर दिक्कतें भी शुरू हो जाएगी वापस। जी, इसीलिए ये बात बढ़ चुकी है क्योंकि माफीनामा अभी तक नहीं दिया गया है। माफीनामा इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि सलमान खान भी वो भी झुकना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सलमान खान खुद भी नहीं झुकना चाहते हैं। काले हिरण को अगर वो अपना भगवान या अपना गुरु मानते भी हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, क्योंकि अगर उसको मार दिया गया है तो माफी भी जरूरी है या फिर सजा भी होती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, माफी एक ऐसा लास्ट होता है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत के अंदर फांसी की सजा मिलती है तो राष्ट्रपति उसको माफी देते हैं, तो कहीं ना कहीं सलमान खान भी अगर जाकर मुकाम पर जाकर अगर माफीनामा लेते हैं तो उनको माफी जरूर मिलेगी, अन्यथा ये मामला और तूल पकड़ेगा और कहीं इसके लिए कई बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। आपको जो फैलेगा विश्व समाज राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में भी है, यहाँ पे हरियाणा के बाद में, तो देखा जाए तो उनका जो धार्मिक स्थल है वो भी बीकानेर जिले के नोखा के मुकाम में है। क्योंकि लोकेश, जिस तरीके से आपने बात की कि ये मामला जो है काफी तूल पकड़ेगा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी, अगर शगुफ्ता आपको ही सवाल करना चाहे मेरे बात तो जरूर मैं चाहूंगी कि आप लोकेश पे करें, पर मैं एक सवाल आपसे रखना चाहूंगी कि इस मामले की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा लोकेश कि इस मामले में ये कहा जा रहा है कि अगर दो तीन दिन के अंदर अगर बिश्नोई समाज की जो मांगे हैं पूरी नहीं की जाती, और उनकी मांगों में मुख्य बात यह है कि पूरी जांच पड़ताल निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए कि क्या उसकी हत्या की गई है या नेचुरल डेथ है, और सबसे बड़ी बात जो ये सामने आए कि अगर
इस मामले में जांच पड़ताल पुलिस द्वारा नहीं की जाती तो जयपुर विधानसभा के आगे वो जो मृत शरीर है उसको लेकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना है लोकेश इस पर आपका? देखो आप देखा जाए ना तो गंगानगर जिले के अंदर कुछ घटनाक्रम ऐसे हुई है जिसके अंदर पुलिस प्रशासन कई प्रकार से विफल रहा है। सबसे पहले सूर्यकिरण का जो मामला था आर्म्स एक्ट का, उसके अंदर पुलिस की मैंने क्या है किरकिरी हुई है, वहां पे भी लोग इकट्ठे हुए थे, आज बाजार भी बंद रहा। दूसरा हिरण का प्रकरण भी हो गया है, तो प्रशासन देखा जाए पुलिस प्रशासन इस मामले को विफलता की ओर है। और अगर प्रशासन ने अगर इस ओर अगर ध्यान नहीं दिया है तो विधानसभा जो सत्र सत्र है जयपुर के अंदर, तो उसके अंदर ये मुद्दा विपक्ष के लिए बहुत बड़ा सवाल बनेगा और कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो इसके अंदर घेरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल जी, क्योंकि देखा जा रहा है कि काले हिरण जो है वो दिन पर दिन विलुप्त होते जा रहे हैं। काले हिरण जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, कम दिखाई देते हैं, नहीं है काले हिरण, अगर जो है तो उन्हें इस तरीके से मार दिया जाता है। अगर इस तरह से मार देते थे, आज पुलिस ने दो को राउंड अप किया है, बाकी अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए, क्या कारण था इतनी ड्राई क्यों बरती जा रही? खुद जब करणपुर के विधायक भी वहां मौके पर पहुंचते थे, विश्नोई समाज के लोग भी वहां पे पहुंचे थे, तो देखा जाए तो जो प्रशासन है तो कहीं पार्टी राजनीति तो नहीं करी इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, आपने बिल्कुल सही कहा शगुफ्ता, और हमारी तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे मामले पे प्रकाश डालने के लिए, पूरे मामले पे हमको जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लोकेश, हम चाहेंगे कि फिर किसी मैटर पे, फिर किसी चर्चा परिचर्चा में फिर से आपकी राय जानना चाहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश। तो ये थे हमारे संवाददाता बीकानेर से लोकेश बोरा हमारे साथ। शगुफ्ता, देखिए एक और मामला सामने आया है काले हिरण का, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अगर बात जैसे आपने ही एक बात कही कि विलुप्त होते जा रहे हैं, बड़ी कम प्रजातियां बची है, हिरणों का शिकार है, सबसे बड़ी बात है शगुफ्ता प्रतिबंध है यानी रोक है शिकार पर, उसके बाद भी फिर ऐसा क्यों हो रहा है? काले हिरण लापरवाही से हो रहा है, देख लीजिए या फिर मोर को ही देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले मोर भी एक कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की छत पे जाकर जो मोर भी गिर गया था तो उसको भी तरीके से उसको श्रद्धांजलि दी गई। तो ये तो काला हिरण है, ये तो बिश्नोई जो इसको है भगवान और ये गुरु मानते हैं, तो उसका तो बहुत बड़ा इशू बनने वाली बात है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ वक्त पहले जो 26 साल आप बता रहे हैं सलमान खान का भी जो मैटर हो गया था, बहुत बड़ा मैटर था जिसके लिए सलमान खान को आज तक माफी नहीं मिल पाई है उसके लिए, उसमें सजा भी है, धारा 149 लगाई जाती है और 7 साल की सजा भी है इसमें, 7 साल की सजा है, काफी बड़ा मैटर। देखिए 26 साल मतलब कहीं ना कहीं कितना लंबा सफर, जो सलमान खान जैसे एक बड़े जो कह सकते हैं नेता हैं, आमतौर पर होता क्या है इंडिया में कि कोई भी चीजें हुई बड़े आसानी से छूट जाना, पर ये बिश्नोई समाज के हाथ से ये नहीं छूटे नहीं कर रहे हैं। काफी सारी जो है इस पे बातचीत करेंगे श्री गुप्ता। देखिए बिश्नोई टाइगर फोर्स के सहमति मिली है, देवेंद्र बुड़िया जो है उन्होंने कहा है कि बिश्नोई समाज के 29 नियमों में से एक जो नियम है माफी है, तो उनका कहना है कि अगर सलमान खान आके माफी मांग लेते हैं तो ये जो 26 साल पुराना सफर है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, खत्म हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं रितिका कि माफी मांग लेना बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आपने किसी प्रकार की गलती भी कर दी है, मिस्टेक कर दी है, तो उसमें माफी मांग लेना चाहिए। एक तरीके से गलत है, सलमान खान की भी गलती है कि वो माफी नहीं मांग रहे और बात को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसको तूल दिए जा रहे हैं। अब तक अगर वो माफी मांग रहे तो ये जो दोबारा ये घटना हुई है ये उससे जुड़ती नहीं, अब क्या होगा ये उससे जुड़ जाएगी, मेल खा लेगी और ये घटनाक्रम बढ़ता जाएगा। ये जो सफर है बढ़ता जाएगा। शगुफ्ता, कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि जैसे धार्मिक जो जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग चाहते हैं, उनकी आस्था है, वो चाहते हैं कि वहां पर आकर अगर एक तरह से एक बार आपको माफी मांग ले तो ये जो इतना लंबा सफर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। शगुफ्ता, अगर देखिए हम बात करें तो चिंता का विषय है क्योंकि जो प्रजाति है ये विलुप्त होती जा रही है, बड़ी कम ऐसी, अब शेर की बात कर ले आपने, मोर की बात, टाइगर, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह की जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। देखिए हिरणों की अगर हम बात करें तो ऐसा अनुमान है शगुफ्ता कि करीबन 200 साल पहले इनकी आबादी 40 लाख थी, लेकिन अगर हम बात करें 1947 में 80,000 बच गए थे, 1970 की बात करें तो आबादी जो थी वो घटकर 22 से 24,000 पहुंच गई थी, जबकि अगर हम अभी की बात करें शगुफ्ता 2000 की बात करें तो मात्र 50,000 पहुंच गई है। तो आपको लगता है कि ये सब इन चीजों के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि कहीं भी जंगल होते हैं या वन होते हैं वहां पर इनको चुपचाप से इनका शिकार कर लिया जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहां पर किसका शिकार हो गया। जो नजर में, अब जैसे काले हिरण को ही देख लो, वो नजर में आ गया, पता चल गया, क्योंकि वो बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ है, धार्मिक चीज उसको, बिल्कुल, तो इस पर इशू बन जाता है। लेकिन जो नॉर्मल हिरण होते हैं उन्हें कहीं भी शिकार कर लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो 50,000 तो उनकी गिनती होनी है, कम तो होनी ही है।
2000 के आंकड़े की हम बात करें शगुप्ता, पर अगर अभी 2024 चल रहा है तो इस हिसाब से अनुमान लगाइए कि ये जो प्रजाति है ये और कितनी विलुप्त हो गई होगी, ये चिंता का विषय। जैसे कि शगुप्ता ने कहा कि कुछ चीजें जो नजर में आ जाती हैं तो उन पर जो है सरकार कई बार एक्शन लेती है, दबाव में एक्शन लेती है, समाज जो है वो सहयोग करता है इस पूरे मामले में कि एक्शन लिया जाए, और जो नहीं आता है उसे दबा दिया जाता है सरकार के द्वारा चाहे प्रशासन के द्वारा, उस चीज को दबा दिया जाता है, बिल्कुल सही नहीं जाता है, तक नहीं दिया जाता। अब मोर की ही क्यों हम काले हिरन के साथ साथ एक गौ माता जिसे पूजा जाता है, बिल्कुल गौ माता को, गौ माता की ही बात ले लो, अगर उससे भी कोई तस्करी उसकी भी की जाती है, काफी सारी ऐसी बीच में बातें हुई है, तस्करी भी की जाती है, तो उसपे भी बहुत गलत चीज है, उसपे भी एक्शन लिया जाता है। कुछ जगह देखिए लाइसेंस कुछ चीजों के लिए मिला है सरकार के द्वारा, पर शगुप्ता आपने देखा होगा कई जो है अवैध तरीके से जो कत्ल खाने भी चल रहे हैं, आपने गौ माता की बात की, सिर्फ गौ माता ही नहीं आजकल किसी भी जानवरों को नहीं छोड़ा जा रहा है, लेदर उपयोग में लिया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो रहा है, तो कहने का मतलब है ये जो अत्याचार है जानवरों के साथ शगुप्ता बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उनमें से आज क्योंकि देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है उस चीज को, अगर प्रशासन को भी ये मालूम है या सरकार को मालूम है तो भी उसे अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि उस पर कोई चीज जैसे कि वुलन चीजें बनाई जाती है, भेड़ का ही मान लो, वुलन चीजें बनाई जाती है, ऊंट का ऊंट है जो लेदर का उपयोग किया जा रहा है, का उपयोग किया जाता है खाल से, काफी सारी चीजें दबा दी जाती है। देखिए शगुप्ता अगर हम एक बात करें, क्योंकि हम राजस्थान से हैं, अगर हम राजस्थान में रह रहे राजस्थान की बात करें तो आपने अकर्णी माता का जो है मंदिर का नाम सुना होगा, तो आस्था का प्रतीक है अकर्णी माता का जो मंदिर है, दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं शगुप्ता, काले हिरण का संरक्षक माना जाता है करणी माता को। आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा जो ये आज ये मैटर हुआ है, जिसे पूरी मीडिया की अगर हम बात करें तो कोई एक ऐसी मीडिया नहीं होगी जिसने इस न्यूज को कवर नहीं किया होगा, तो उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। जी जाहिर सी बात है ना, करणी माता का जो संरक्षक बताया जा रहा है काले हिरण को, अगर आप उसको मार देंगे या जो भी कुछ ऐसा करेंगे तो भावनात्मक खिलवाड़ भी किया गया, आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, कहने का मतलब है। देखिए शगुप्ता अगर हम बात करें कि तो आपने देखा होगा जो सबसे बड़ी समस्या मुझे ऐसी लगती है और सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि देखिए बेचारे ये जो जानवर है जाए कहाँ, क्योंकि देखिए बात करूं जंगलों को तो काटा जा रहा है, बिल्कुल पहाड़ों को तो काटा जा रहा है जो इनकी रहने की जगह थी, उसके वजह से क्या होता है कि पर्यावरण के साथ छेड़खानी हो रही है। आप देखती होंगी कि जिसके चलते कई बार क्या होता है, जो जानवर है उनको तो सड़कों पे आना पड़ता है और उसके वजह से कई बार जानवरों को एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार जानवरों की वजह से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जानवरों की वजह से अचानक जैसे रात में हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो जानवरों को अगर जंगल काटा जा रहा है, पर्यावरण नहीं बच रहा है या पहाड़ कटते जा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है सड़क पर आएंगे, सड़क पर आने के बाद में आप गाड़ी अगर रफ्तार से चला रहे हैं तो ब्रेक लगाने से रहे तो आए दिन इनकी दरें कम होती जाएंगी। आप सबसे बड़ी बात है इनके लिए कानून ऐसे बनाए गए हैं कि आप इनको अपशब्द नहीं बोल सकते, नहीं बोल शिकार सकते। करना तो बहुत दूर की बात है। शगुप्ता अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो काले हिरण की नेचुरल मौत हुई है, अगर हम आज पदमपुर मामले की बात करें तो या उसको मारा गया है, ये तो खैर पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर उसकी वाकई में हत्या की गई है तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मैंने जैसे कि आपने शगुप्ता देखा होगा कि मैंने लोकेश को भी ये चर्चा की थी कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस पूरे मामले में 2-3 दिन के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो विधानसभा का घेराव, बिल्कुल घेराव किया जाएगा, क्योंकि पहले तो इसमें माफी के लिए माफीनामा निकाला गया था कि सलमान खान के द्वारा माफी मांग ली जाए, लेकिन अब क्योंकि वो पहला मामला था अब ये दूसरा मामला हो गया है तो ये जस्ट डबल टूल पकड़ लिया इस मामले ने। अब जो बात रही पोस्टमार्टम की, तो उसके बाद अगर पता चलता है कि ये एक मर्डर है या किसी ने उसका शिकार किया है तो मामला टूल पकड़ने वाला है, विधानसभा का घेराव भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, सब कुछ होने वाला। अब कहां तक इसको सही मानती है और सरकार को अपनी क्या भूमिका निभानी चाहिए, आखिरी सवाल आपसे मेरा कि क्या भूमिका रहनी चाहिए सरकार की, प्रशासन की, वन विभाग के कर्मचारियों की, जो क्या क्या भूमिका रहनी चाहिए? वही जो मैंने अभी कहा कि वन विभाग को तो इस तरीके से ऐसे जानवरों को जिन्हें पूजा जाता है उन्हें तो खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उनके लिए पिंजरे होने चाहिए, उनके लिए एक अलग स्पेस होना चाहिए ताकि वो निकलकर रोड पर भी ना जा सके, उनको घर से बेघर ना होना पड़े। शगुप्ता सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रशासन का भी होता है, अगर वो किसी के लिए वो जानवर इम्पोर्टेंट है, पूजनीय है, तो उसमें इम्पोर्टेंस दिखाई जानी चाहिए, इस तरीके से उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। वन विभाग की अगर हम बात करें शगुप्ता की, वन विभाग की अगर हम बात करें तो कई आपने देखा होगा ऐसी खबरें आती हैं जिसमें गैर उनकी जिम्मेदारी सामने आती है,
क्योंकि अवैध खनन होते हैं, अवैध खनन की वजह से आपने देखा होगा कि जो जानवर उनको ना चाहते हुए भी सड़कों पर आम लोगों के बीच लाना पड़ता है, जो आम लोग हैं उसकी वजह से भी हिरण के साथ साथ ही तेंदुआ आजकल आप देख रहे हैं। मैं उसी की बात जिक्र कर रही थी, मैं उसी जिक्र, बहुत खतरनाक चीज है, खतरनाक चीजें हैं। तो शगुप्ता खैर हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार, प्रशासन, जो विभागीय लोग हैं, इस पूरे मामले को थोड़ा गंभीरता से ले और सरकार कुछ सख्त कानून बनाए सिर्फ कुछ जानवरों के लिए। हम अपील ये करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जो बाकी भी जानवर हैं, जो जीव है, उनके लिए भी कुछ कानून बनना चाहिए कि इस तरह के हादसे को हम खुद निमंत्रण ना दे। तो शगुप्ता, आज की चर्चा परिचर्चा में आपने समय निकाला, हमसे काफी सारी जो बातचीत की, काफी सारी जानकारी दी शगुप्ता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपको। फिर हम किसी चर्चा परिचर्चा में शगुप्ता किसी और मैटर के साथ जरूर मिलेंगे। तो फिलहाल आज की चर्चा परिचर्चा में हमने आपको आज के पूरे मामले की जानकारी दी। विश्नोई समाज में जो है हिरण को गुरुदेव के रूप में माना जाता है और उन्हीं की हिरण की हत्या का जो मामला है या नेचुरल डेथ है, तो ये तो खैर जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। तो आज की चर्चा परिचर्चा में इतना ही। इसी तरह की ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज 21 के साथ। शगुप्ता, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।